मेन बंदा वो, उसको तैयार करो ना। तुम लोग तैयार हो, इतना सज रहे हो, वो बेचारा बनियान में खड़ा है देखो, धोती पहन के। प्यारा समझ गया। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज मेरे भाई की शादी है तो हम सब लोग रेडी हो गए। सबसे पहले मतलब मैं रेडी हो गया हूँ, और पीछे लेडीज लोग आपको पता ही है टाइम लगाती है और पीछे तैयार हो रही हैं। और ये मेरी भांजी रेडी हो चुकी है एकदम, और ये भी तैयार हो गई है यहाँ पे देखो। और गाइस सब लोग तैयार है, बस नीरज रहता है, उसको तैयार करना है। वो तैयार इसलिए नहीं होगी, बहने और भाभी ये सब तैयार करते ना उसको, तो उसका भी जल्दी जल्दी करो प्रिया, थोड़ा जल्दी करो बाबू, आज बोल रहे कैमरा वाला भी आ चुका है। और गाइस हाँ, यहाँ पता क्या हुआ कि एक ही सेम कलर, ये रेनू और पिंका रहती है मुंबई में, प्रिया रहती है वहाँ, इन्होंने कोई बात नहीं की है, मतलब ऐसा ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे लहंगा, और इन तीनों का सेम कलर मिला जाएगा। मेरा ये सोचिए सबसे अलग मेरा होगा, दिखाना मत व्लॉग में ये वो ऐसा वैसा, कितना कुछ कह रही थी। इसका लहंगा भी व्लॉग में दिखाया, फिर भी इसका लहंगा रिवील हो गया मतलब। और ये कलर बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, इसलिए देखो सेम सेम। बस दीदी रह गए, दीदी का भी, दीदी को भी बता देते ना ये वाला लहंगा हो रहा है, दीदी भी यही वाला ले लेते हैं। हाँ बेटा पहना तो है बेटा लहंगा आपने, सैंडल अभी पहने के रुक जाओ, कोई इसने पहना ही नहीं सैंडल। और गाइस आज की मेरी लुक ये है, मैंने ये बनवाया था, और देखो ऐसा लगा पूरा ब्लैक है, नीचे भी लोअर भी ब्लैक है, शूज ब्लैक है मेरे, और ऊपर से तो है ही इंडो वेस्टर्न ब्लैक कलर का। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आज कौन कौन कैसे कैसे तैयार हो रहे हैं। क्या पीना, पानी पीना, पानी दो हाँ अगर रखा है। देर मत करो जिया को तैयार करना। और ये देखिए यहाँ पर पापा जी भी तैयार हो गए। पापा जी इधर आओ। हाँ बेटा। क्या पहन रहे हो आज आप? आज एक पैंट शर्ट और ये कोट, पापा की ड्रेस ये है। हमारे मामा ठाकुर चमक रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए। तो हमारे मामा भी रेडी हो चुके हैं, और हमारे भाई ने भी रेडी होना है, और हमारे जीजू भी अभी कच्चा बनियान में है, तैयार होने वाले हैं, बस हो ही रहे हैं। और मतलब ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुके हैं, जेंट्स लोग जल्दी तैयार हो जाते हैं, दो मिनट में यूं चुटकी बजाते तैयार हो जाएंगे, वहाँ लेडीज लोग टाइम लगाती हैं, तो वो अलग रूम में है अपना। देखो मौसम भी ठीक है, मतलब पहले हमें लग रहा था गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक है, बादल बादल हो रखे हैं, देखो मौसम बढ़िया हो रखा है। कल भी ऐसे ही था, मौसम एकदम बढ़िया था 12 बजे तक, उसके बाद इतनी धूप हुई, इतनी गर्मी हो गई, बुरा हाल हो गया था। आज ना हो ऐसा बस। अच्छा हमारा वो दूल्हा किधर है? उसको तो ले गए ना वो करने के कैमरा वाले, इसको मैं में। अच्छा कैमरा मैन आ चुके हैं, चलो देखें क्या होता है उसका, कुछ कर रहे होंगे, उसका मोर तो नहीं बना रहे कहीं। तो यहाँ पर चल रहा है थोड़ा सा शूट। अच्छा इसका सारा ये हथियार वगैरह श्रृंगार, तो अभी यहाँ पे इसका शूट चल रहा है, और इसके बाद इसको तैयार करना है, और फिर फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। अभी दे रहा बेटा आपके सैंडल। हेलो गाइस, आज मेरे चाची की शादी है, फिर मैं दे दिया जो कि आपको मैं कैसी लग रही है। हेलो भैया, गाइस बता दो कैसे लग रही है कमेंट करके। मैं पूरा पूरा दिखाता हूँ इसको, ये देखो पूरा ऐसे दिख रही है, साथ में कुछ ऐसे लग रहे हैं हम लोग दूल्हे को। रात भर नहीं सोए, 2 बजे से हम लोग 2 बजे तक मेहंदी लगा रहे थे, 3 बजे उठ गया ना। अरे यार मेन बंदा वो है, उसको मेन बंदा वो, उसको तैयार करो, खड़ा है देखो धोती पहन के। भाई ये शादी है, लास्ट टाइम जितना हंसना है एक बार हंस के दो गुफ्तगू कर ले, क्या गुफ्तगू होता है, गुफ्तगू कहते हैं, कर ले बात कर ले थोड़ा सा अपने, बता दे सबको गुटर को कर ले जो करनी है। अरे आ जाओ यार, वो लोग बुला रहे हैं इधर, तैयार होने में अभी तैयार नहीं हो रहे, क्या कर रहे हैं? गला बड़ा हो गया मेरा, तो करूं? तू अपने ताड़िका वाली हंसी मत दिखाना, नॉर्मल स्माइल रखना ठीक है। ओके 1 2 3 एक्शन।
आप उनके तरफ टर्न हो जाना फिर पहनने के बाद। हमारे जो एक्टर है ना थोड़े सस्ते वाले हैं, इसलिए इनकी एक्टिंग ढंग से नहीं हो रही है। चलो तो माँ भी तो भाभी समानी होती है। क्या बोला? माँ भी तो भाभी समानी होती है। वही यार, इसलिए आप थोड़ा सा वो तो हो जाता है, नीचे उतरना ऊपर उतरना, सीढ़ी तो सीढ़ी है। तो दूल्हे राजा तैयार। भाई भाई शक्ल दिखा दे। अरे शर्मा प्यारा समझ गया। अब हम जा रहे हैं देवर की बारात लेके। यार रीली बनाई। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। आगे बना लिया, अभी नाचेंगे ना ऐसे एक उसमें बनाना। ओके उसमें बनाना। ओके ओके और कुछ ठीक है। ओके ठीक है, समझ गया। सारा मेकअप उतर गया मेरा, पर कोई बात नहीं, उतरने दो मेकअप। और भाई दूल्हे साहब क्या करेंगे? 5 बजे कर। एक मिनट आप बोलिए। कैसा फील हो रहा है? हाथ में है ना, कितनी देर में जल बढ़िया है। सब बढ़िया, कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते अभी। अब पहले से रह गए यहाँ से 100 मीटर की दूरी में है, तो यहीं पे हम लोग उतर गए यहाँ से। अब जाते हैं नाचते सीधा बारात लेके पैलेस में।
गाइस यहाँ पर बारातियों का स्वागत हो चुका है और अब हम इंतजार कर रहे हैं दुल्हन का। चेहरे के पीछे हंस रहा है ये। सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब यहाँ पर हो रहा है पेट पूजा। सबसे लास्ट में प्रिया को रख रहे हैं क्योंकि सब खत्म कर देगी ये। इसलिए लास्ट में चक्कर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं खाया, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। सुबह से इतना डांस किया, कुछ भी नहीं खाया तो खाना तो पड़ेगा। एनर्जी बारात लेके जाएंगे ना फिर नाश्ते में, वो सारा हजम हो जाएगा, पच जाएगा उसका। ये जो दुल्हन है उनके मौसा जी हैं और हमारे सब्सक्राइबर है, क्या नाम बताया आपने? अजय कनौजिया। अजय कनौजिया नाम है इनका। तो अब तो हम वो हो गए, रिश्तेदार हो गए तो काफी अब तो सब्सक्राइबर नहीं रिश्तेदार हो गए। मैं आपको काफी देर से नोटिस कर रहा था। अच्छा, मैं आपको कहीं देखा तो मेरे को क्लिक हुआ यार, मैं तो आपका काफी वीडियोस देखता हूं, काफी आपको फॉलो भी करता रहता हूं। आपको पता नहीं था कि मतलब शादी हो रही है? नहीं पता है, पंजाब से है। अच्छा, ये नहीं पता था कि मेरी फैमिली से। आपके फैमिली से करके जुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो, दिल में है उठ रही जो लहर, रोको ना अब उसे बहने दो। खुद को देखो जरा मेरी नजरों से, तुम कितना जादू भरा तुम में, समझो ये तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। तो गाइस अभी हमने खाना पीना खा लिया है और अभी मंडप तैयार हो रहा है। यहाँ पर अभी इनके फेरे होंगे, अभी देखो सब पीछे तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ? पता क्या हुआ? दूल्हे के जूते यहाँ पे थे। हाँ। ये लोग अपना बातों में मस्त है, सालियाँ सब मस्त है, यहाँ पे आगे रस्में स्टार्ट हो गए, जूते कोई ले नहीं गए। अब बहने थोड़ी जाने देंगी जूते, हम क्यों जाने देंगे? दूल्हे के बड़े भाई के जूते चुबा दिए, आपके जूते चुबा दिए।
वही तो मेरे को मिल नहीं रहे बूट। आपके जूते छुपा दिए, पापा के जूते छुपा दिए, आप बोलते पहले दूल्हे के जूते, तो फोटो वाले की भी। हाँ जी, मेरे यहाँ रस्म होता है, शादी हो जाती है जब बढ़ता है से अगले, उसको सब सामान देते हैं। आपकी रस्म आप बता रहे हो, जो हमारी रस्म है हम क्या कह रहे हैं, जैसे लोग को जिसका मर्जी रखो, जिसका लेके रखा है रखो। आपकी लड़की की शादी हुई है इस हवन कुंड में, तो आप इसमें आग लगाओगे? वाह वाह, सही बोलते, इसी हवन कुंड में जूते की आग लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे लड़ाई लड़ेगी, हम लोग अपना रस्म करते हैं, हम लोग में शादी हो जाता है, मुँह में लगाते हैं उस समय जूता, तो रस्म शादी के बाद होता है। जूता हमारे पास है, बहस खत्म, हमारे पास है, हमारे ऊपर जाने वाली है, दुल्हन भी हमारी है, दुल्हा भी हमारा, जूते भी हमारे। तो इधर अब मेरे बूट नहीं मिलेंगे, अब कोई बात नहीं, लेकिन दूल्हे के बूट एकदम सेफ है। हमारा मेन बंदा ये है, इसके शूज हमारे पास हैं, अपन नहीं ले लेगा, चलेगा। तो चलो चलो, ये देखो हमारे सबसे मेन शूज ये हैं, हमारे दुल्हन भी, हमारे, और हमारा ये बंदा बड़ा सही है, बंदा बड़ा सही है। धीरज ने अपना कर्तव्य बिल्कुल वफादारी से निभाया, बहुत अच्छे से निभाया इसने। रोने लग गए फिर, तेरे को अपनी बिताई याद आ गई? कपल, ब्राइडल कपल होता है, ब्राइड कपल जो भी है, न्यू कपल जो भी है, कैसा लग रहा है? तो फूले नहीं समा रहे होंगे, और खाना पीना क्या खाना, भूखी नहीं लग रही होगी? लग रही क्यों है। क्या बोलता विनोद? मुझे तो भूख लगी है। हमारे लिए अच्छा अच्छा देख रहा है विनोद। और गाइस, कल ना हमने जाना भी है, कल की ट्रेन भी है हमारी, और इतनी भगदड़ मची हुई है ना, व्लॉग्स कुछ एडिट नहीं हो रहे, सारे व्लॉग हमने बना के रखे हुए हैं, और अब जब घर पहुंच जाएंगे ना, एक बार रिसेप्शन भी हो जाए, उसके बाद आपको बैक टू बैक व्लॉग मिलेंगे, ये वाले व्लॉग जो एडिट होंगे, हमने सारे रिकॉर्ड करके रखे, हमने सारे रिकॉर्ड करके रखे हुए, टेंशन मत लो आप, आपको सारी रस्में और एक से एक जो हम सारी रस्में और एक के बाद एक कौन सा व्लॉग बनाया, हम कहाँ घूमने गए, हमने क्या किया, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग खाते हैं, फटाफट से सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह उठ के पैकिंग करनी है, फिर उसके बाद जाना। और खिलारा इतना मचा हुआ है, देखो, हाँ देख ही रहे हो आप कितना खिलारा मचा हुआ है, ये देखो, ये कमरा वो है जहाँ थोड़ा सा साफ है। और बाकी कमरे दिखाती हूँ मैं भी कैसे हो रहे हैं, यहाँ भी सनम सनम हो रही है, इनके लिए ये हमने गा के ये गाना पास में बिठाया हुआ है। चलो, इस कमरे का तो बुरा हाल है गाइस, ये देखो इतना फैला हुआ है ना, तो अभी ये सारा कुछ समेटते हैं। मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ी बहुत अभी कर लूँ पैकिंग, बाद में सुबह टाइम नहीं मिलेगा, तो
अभी खाना वाना खा के थोड़ी बहुत पैकिंग करते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।